मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सड़कों में गड्ढे होना आम बात हो गई है, जिसके चलते कई तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस कमल तिराहा पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर है। इसके बाद भी अगर नगर निगम और जिला प्रशासन मांगों को पूरा नहीं करता है तब कांग्रेस बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने नगर निगम की किसी भी तरह के टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं देने और हर दिन जनता के नल कनेक्शन काटने जैसी हरकतों पर भी हल्ला बोला है। कांग्रेस के अजय रघुवंशी का कहना है कि अगर हमारे इस विरोध प्रदर्शन के बाद भी नगर निगम या जिला प्रशासन नहीं जागा तो बुरहानपुर से लेकर विधानसभा तक हल्ला बोल जाएंगे। परिषद के गठन होने के 2 वर्ष से ऊपर हो गए, हम बार बार महापौर कमिश्नर से बोल रहे हैं कि हमारे वार्डों में हमारे शहर की समस्याएं, जो शहर में गड्ढे, गंदगी, साफ सफाई, पीने का स्वच्छ पानी, इन सब चीजों को लेके वो नाकाम है। तो बार बार उनको बोलने के बाद भी जब वो नहीं जागे तो आज हमारे को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है धरने के माध्यम से। हम आगे यही कार्य जारी रखेंगे जब तक कि जो लोग हमारे शहर के गड्ढे, शहर की सड़कें स्वच्छ पीने के लिए साफ पानी नहीं देते। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये महापौर जो है बुरहानपुर की पब्लिक से बदला ले रही है, क्योंकि मात्र लोग ऐसा बार बार वो सोचता है कि मैं मात्र 280 वोटों से जीता हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात के लिए गिल्टी फील होती है और वो जो शहर में काम नहीं कर रहे तो इसका तो हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि वो बुरहानपुर के पब्लिक से बदला लेना चाहता है। तो उसी माध्यम में आज हमने ये सब धरना रखा है। अब देखिए आगे अगर वो लगाने का काम करे और जग जाए तो ठीक, नहीं तो आगे और काम जारी रहेगा। की जनता के हाल बेहाल है, चाहे शहर की सड़कों की हम बात करें, चाहे हम शहर में गंदे पानी की बात करें, चाहे शहर में गंदगी की बात करें, चाहे शहर के तुगलक के निर्णय कि एक दिन में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे नल टैक्स हो, चाहे संपत्ति कर हो, इसको लेके हम बात करें, चाहे व्यापारियों की दुकानों को 24 घंटे में बेसमेंट से दुकानें बंद करके बंद करने का नोटिस देने की बात हो, चाहे बीपीएल की बात हो, ये गूंगे बहरे अंधे निरंकुश भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और महापौर जिनको जनता ने जिताकर भेजा है, ये जनता का सिर्फ खून खींचने का काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे गूंगे बहरे अंधों को हम जगाने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं हम कि आप जनता के प्रतिनिधि है, आपको जनता के टैक्स का तनख्वाह मिलती है, तो आप कम से कम जनता के हित में निर्णय लेते हुए शहर को जो आम जनता परेशान है उस पर निर्णय ले और जनता को परेशान करना बंद करें। हम लोगों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सभी हमारे पार्षद दल साथियों द्वारा आज हमारे द्वारा यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जो ये भाजपा के राज के अंदर जो शहर की दुर्दशा यहाँ पर हो रखी है, ये आप लोगों से अभी द्वारा सभी लोगों से कोई अनजान नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं कि शहर में क्या हाल हो रखे हैं, सड़कों के कितने बुरे हाल है, हाईवे के सड़कों के कितने बुरे हाल है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। अब शहर में पानी, बरसात का मौसम होने के बाद भी शहर में पानी की समस्या पूरी तरीके से चल रही है, ये पूरी दादागिरी से नल कनेक्शन लोगों के काट रहे हैं, टैक्स बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, बाकी सुविधाएं देने के लिए, ये शहर की जनता को सुविधा देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज, इन सब मांगों को लेकर हमारा एक आंदोलन यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी ये लोग आज नहीं जागते हैं तो हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएंगे एवं इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे।